हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेशन देने वाला हूं। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको जो 15 इंटरडे कॉल्स दिए थे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो एक दिन पहले मैंने आपके लिए दिए थे मंडे मार्केट में वर्क करने के लिए, तो इन 15 कॉल्स में से मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी लेवल एग्जीक्यूट हुए हैं तो उनमें टारगेट आए हैं, स्टॉप लॉस आया है, और कितने लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुए, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मैंने रिकमेंडेशन आपको दी थी उसमें कितना प्रॉफिट निकल कर आया है आपको और कितना लॉस हुआ है, वो सब आपको अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो वीडियो में मैंने आपको कॉल दिए थे, और ये जो कॉल्स थे वो रिकवरी कॉल थे, जो लो से नीचे से आपके वापस ऊपर आ रहे थे। तो इन स्टॉक्स में मैंने आपको लेवल के साथ वर्क करने के लिए कहा था, और यहाँ पर मैंने आपको 15 कॉल्स दिए थे, तो उसमें चेक कर लेते हैं किस किस में टारगेट अचीव हुआ है और किस में एसएल आया है। तो यहाँ पर एक लिस्ट पूरी तैयार है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डन लिखा हुआ है यानी कि इनमें टारगेट अचीव हो चुका है, नॉट एग्जीक्यूट में यानी कि जो लेवल दिए थे वो उस लेवल को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया है, और ये जो क्लोज प्राइस आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक है जिसको काउंट नहीं किया है, तो ये क्योंकि लेवल को ब्रेक करने के बाद ये वहीं आपस आसपास ही उसका प्राइस चलता रहा और ये इस प्राइस पर क्लोज हो गया, इसमें ज़्यादा मोमेंट नहीं आ पाया। और ये एसएल जिसमें स्टॉप लॉस आए हैं तो उसमें एसएल भी लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा है ये हम लाइव चेक कर लेते हैं कि जो मार्केट में प्राइस चले हैं आज के, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला है जिसमें डन लिखा हुआ है तो इसको हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम एनएसई की साइट पर ही चेक कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एनएसई की साइट पर ही चेक करवा देता हूँ इनके प्राइजेस, और ये देखिए इसके प्राइजेस आ गए, और हम यहाँ से इसके लेबल देख लेंगे जो मैंने लेबल आपको दिए थे। तो यहाँ से 44.45 से इसमें बाइंग दी थी और 45.1 का इसमें टारगेट था, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं फिर इसमें टारगेट आया या नहीं आया। तो ये देखिए लेबल ब्रेक कर कर एग्जैक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर, ये देखिए जो सबसे पहला कॉल है इसमें 45.1 का टारगेट था, और यहाँ पर ये देखिए इसमें 45.44 तक, 45 तक ये गया है, यहाँ पर भी हमारा एक टारगेट अचीव हो गया है। तो एक कॉल हमने चेक कर लिया है, और अब जो सेकंड कॉल है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें टेक्नो इलेक्ट्रिक ये लेवल ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। ये अपना 280.80, ठीक है, 280.80, तो ये देखिए 280.80 पर ओपन क्या हाई भी नहीं गया है ये, तो ये लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने लेवल नॉट एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है। और जो गति है मैंने यहाँ पर कैंसिल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट में ओपन हुआ है, और टारगेट तो इसमें आ गए थे, ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ था, यानी कि मैंने जिस लेवल से आपको दिया था और जो टारगेट दिया था उसके भी ऊपर ये मार्केट में ओपन हुआ था, इसलिए इसमें कैंसिल लिख दिया है मैंने कि पोजीशन कैंसिल हो गई, जब वहाँ पर आप लेवल से परचेज ही नहीं कर सकते थे तो उसमें कैंसिल लिखना ही ठीक होता है, यानी कि हमने उसमें कोई पोजिशन ही नहीं ली, कि ये मार्केट में गया तो बहुत ऊपर था, गैप अप ओपनिंग के बाद 117 का हाई बनाया था इसने, तो ये वाला लेवल जो है वो कैंसिल कर दिया है। और अब ये चेक कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल का 9/11 से बाय और 9/21 का हाई, सॉरी इसमें टारगेट, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल को। तो ये देखिए कितना हाई गया है, ये 21 का इसमें टारगेट था और ओपन प्राइस देख लीजिए आप, ओपन होने के बाद ही ये ऊपर चलना शुरू हो गया था, और 9/49 का इसने हाई बनाया है, हमारा 21 का टारगेट था 11 के बाद, तो ये भी टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। और फिर हम देखते हैं पावर फाइनेंस, पावर फाइनेंस में आप देख रहे हैं प्राइस आसपास ही चलता रहा और वहीं के वहीं क्लोज हो गया वो, तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप चाहें तो पूरे लेबल देखकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर आपको, अगर नहीं आपके पास टाइम तो आप वीडियो में ही देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर चेक करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको ये ओपन हुआ था 94.90 से, और फिर ये ऊपर चलना शुरू हुआ, और लेबल एग्जीक्यूट होने के बाद ये आसपास ही चलता रहा और वहीं पर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्लोज एट 45.65 लिख दिया है यहाँ पर, और ये डन में रेडिंगटन देख लेते हैं आप। तो अब यहाँ पर रेडिंगटन देख लेते हैं हम, तो रेडिंगटन में आप देखेंगे, और लेवल चेक कर लेते हैं पहले, लेवल कहाँ से दिए थे, 122.4 से, और 125 का टारगेट था, तो 125 का टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था। तो ये देखिए आप, 125 का टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था, हाई देखिए आप, और ओपन प्राइस चेक करिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी टारगेट अचीव हुआ है। और फिर हम चलते हैं यहाँ पर रिलायंस होम पर, यहाँ पर भी टारगेट अचीव दिखा रहा है। रिलायंस होम में काफ़ी टाइम बाद लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया था, टाइम लिया था बट आ गया था उसमें टारगेट, यानी कि लेबल ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ था पूरे दिन भर, और फिर जैसे ही लेबल एग्जीक्यूट हुआ है तो वहाँ से हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था। तो यहाँ पर 62.60 का हाई है, और हमारा जो टारगेट था वो 61.85 का था, तो यहाँ पर भी टारगेट अचीव हो गया था। अगर किसी को डाउट है कि ओपन होने के बाद वो नीचे गया है और फिर वापस ऊपर आया है, तो वो अपने कमेंट कर सकता है, या अगर वो टेक्निकल चार्ट देखना जानता है तो 5 मिनट की कैंडल पर जाके वो टेक्निकल चार्ट चेक कर सकता है कि मैंने यहाँ पर आपको सही चीज़ बताई है या गलत, वो आप जाके जज कर सकते हैं, और आपको जो भी बोलना है कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस होम का हमने देख लिया, अब यहाँ पर हम NBCC भी चेक कर लेते हैं। NBCC एक बहुत ही शानदार स्टॉक है अभी, जो लो से बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पर आपने लेवल देख लिए हैं, 72.40 का हाई है, और 72.40 एग्जैक्ट यहाँ पर जो टारगेट दिया था वो अचीव कर लिया है उसने, एग्जैक्ट हाई उसने वही पॉइंट पर गया है वो। और फिर जो नेक्स्ट है IDFC, इसको भी चेक कर लेते हैं। IDFC लिमिटेड, और इसका हम लेवल देख लेते हैं, कितना टारगेट दिया था इसमें, 49.40 का, और इसमें भी आप देखेंगे तो हाई जो है इसका 49.40 का ही इसमें हाई है, जो टारगेट दिया था सेम उसी प्राइस पर वो हाई गया है, तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है, क्योंकि जितना उसमें पॉइंट दिखाई दे रहा था मैंने वही उसमें टारगेट दिया है, क्योंकि चार्ट देखने पर जो लग रहा था मुझे तो वही दिया, और एग्जैक्ट उसी को टच किया है उसने। और यहाँ पर अब बलरामपुर चीनी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर SL आया है हमारा बलरामपुर चीनी में, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो यहाँ पर इसमें मैंने टारगेट दिया था 74 का, और 70 का स्टॉप लॉस था, और यहाँ से 71.45 से हमारी यहाँ पर बाइंग थी, और यहाँ आप देखेंगे तो ये ऊपर एग्जीक्यूट होने के बाद 1 रुपये ऊपर गया था और फिर नीचे चला गया था, 70 का जो प्राइस है, जो स्टॉप लॉस था उसको वो टच कर गया था, और फिर वापस रिकवर कर कर ऊपर आ गया था, तो 74 के आसपास तो गया बट पूरी तरह से टारगेट अचीव ना नहीं कर कर वो नीचे आया, और स्टॉप लॉस करने के बाद वापस रिकवर हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक SL लिख लिया है। तो यहाँ पर एक SL हमारा आ चुका है, और कैस्ट्रॉल आप चेक कर लेते हैं, तो कैस्ट्रॉल में हम लेबल भी देख लें पहले, और यहाँ पर नॉट एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, तो 175.40 का लेबल था, तो देखते हैं एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं, आपको चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि फ्रॉड कॉल्स भी कई लोग देते हैं इस पे और उसको चेक नहीं करवाते हैं, और कई लोग अपने लेवल को डन लिख देते हैं कि हमारा टारगेट आ गया था, इसमें भी आ गया था, इसमें भी आ गया था, इसलिए आपको लाइव चेक करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये देखिए आप, लेवल यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो लेवल था इसमें ओपन, और हाई देखेंगे
तो यहाँ पर हाई देखने पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमने नॉट एग्जीक्यूट लिख लिया है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट कॉल जो है वो गेल का जो टारगेट अचीव कर गया था, तो यहाँ पर हम गेल चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको लेबल दिखा देता हूँ, जो भी लेबल थे 380.20 का यहाँ पर लेबल था और 85 तक का टारगेट था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी टच नहीं हुआ है, क्योंकि ओपन होने के बाद ये टारगेट अचीव करने के बाद ही थोड़ा नीचे आया था। तो ये देखिए यहाँ पर 85 का टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया था इसने, तो हमारा एक और कॉल डन हो गया था। और अब आते हैं हम डावर पे, तो डावर पे क्या है, कैंसिल। कैंसिल क्यों है, क्योंकि ये भी गैप अप में ओपन हुआ था, इसलिए हमने इसको भी कैंसिल ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओपनिंग कहाँ पर हुई थी इसकी, जो लेवल दिए थे मैंने, और ये 388.50 का जो लेवल था यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 388.50 के अगर ऊपर ये ओपन हुआ है मार्केट में, तो हम इसको कैंसिल ही लिखेंगे। और ये ओपन देखिए आप कहाँ पर ओपन हुआ था, ये 91 पर, 88.50 से लेवल था, बट ये 391 पर ओपन हुआ था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल लिख दिया है। तो ये भी एक कैंसिल कर दिया था मैंने इसको, बट ये चला था, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, गेल में होल्डिंग भी कर रखी है कई लोगों की, क्योंकि कुछ क्लाइंट हैं जिनकी मैंने होल्डिंग कर रखी है, डाबर में नहीं सॉरी गेल में की थी। और ये हमने कैंसिल वाला एक डाबर का था, डाबर में तो काफ़ी अच्छी रैली बनी रहती है। और जे कॉर्प में एसएल आया है, एक जे कॉर्प में भी एसएल आया है, तो जे कॉर्प भी चेक करवा देते हैं। जे कॉर्प को सर्च में मिलाकर लिखना पड़ता है, स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगी। तो जेकॉर्प की लेबल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एसएल था 148 का लेबल था यहाँ पर, और जो एग्जीक्यूट लेबल था 152.20 का। तो यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि लेबल एग्जीक्यूट हुआ हाई गया, देखिए आप हाई इसका देखिए कि लेबल एग्जीक्यूट होने के बाद फिर लो इसका चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक एसएल आ चुका है, एक और एसएल यानी कि दो एसएल हो चुके हैं, और बाकी 8 में टारगेट अचीव हुआ है। और वेल्सपन इंडिया भी यहाँ पर हमने कैंसिल किया है, क्योंकि ये भी गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट में ओपन हुआ, एक बड़ा गैप अप लिया इसने भी। और वेल्सपन इंडिया में हम लेवल देख लेते हैं कि कहाँ से मैंने आपको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया था और कहाँ ओपन हुआ है, तो 9557.90 से बाय करने के लिए बोला था। और अगर इसके ऊपर ओपन हुआ है तो ये देखिए आप ओपनिंग देखिए इसकी, काफ़ी ऊपर ओपन हुआ है, इसलिए हमने इसको भी कैंसिल ही लिख दिया है। तो अगर ओवरऑल देखें हम, जो उस वीडियो में मैंने आपको रिकवरी जो कॉल दिए थे, तो यहाँ पर 8 में टारगेट अचीव हुए हैं, 2 में स्टॉप लॉस आया है, और 2 जो लेवल हैं वो नॉट एग्जीक्यूट लिखे हुए हैं, और जो 2 स्टॉक हैं वो कैंसिल कर दिए हैं, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं 3 लेवल यहाँ पर मैंने कैंसिल किए हैं, 3 लेवल कैंसिल किए हैं यहाँ पर, और जो एक लेवल है जिसको काउंट नहीं किया यहाँ पर, ये क्लोज वाला है जो आसपास ही पॉइंट के क्लोज हुआ है, तो इसको काउंट नहीं किया है। तो आपको मैंने पूरा चेक करा दिया है ताकि आपको बिलीव हो सके कि जो भी कॉल दिए थे वो काफ़ी शानदार मार्केट में रहे हैं, और आपको प्रॉफिट ही ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इस चैनल पर बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सही स्टॉक्स में ट्रेड कर मार्केट में पैसा कमा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।